इन दिनों आदमखोर कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है और ये कुत्ते लोगों की परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। ये कुत्ते बच्चों को ही नहीं अपितु बड़ों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सडोली कदीम के सलीमपुर गाड़ा में घटा, जिसमें आदमखोर कुत्ते ने लगभग आधा दर्जन लोगों के साथ एक बकरी को भी अपना शिकार बनाया। इस कुत्ते से पूरा गांव दहशत में है। कुत्ते ना मतलब उसको काटता है, खाट पर पड़ी थी बच्चे, रात को काटते हैं मुझे तड़क में 4 बजे। एक का लगा जा कुत्ते ने काटा है तड़क में, फुल चुल्ले पकड़ रखा है, हाथ पकड़ रखा है, कुत्ते ने काटा है 4 बजे। सहारनपुर में इन दिनों कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ये कुत्ते बड़े बूढ़े बच्चों के साथ जानवरों को भी अपना शिकार बना रहे हैं। ऐसा ही मामला सहारनपुर के सडोली कदीम में हुआ, जब एक आदमखोर कुत्ते ने लगभग आधा दर्जन लोगों को अपना शिकार बनाया। पूरा गांव खौफ के माहौल में जी रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन आदमखोर कुत्तों को क्या करता है। सहारनपुर से कैमरामैन प्रीति के साथ ब्रिजमोहन का। सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में आज संरक्षा संवाद को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे में हो रही दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए और कैसे रेलवे दुर्घटना रहित बने, इसको लेकर श्रीमती सीमा कुमार मुख्य संरक्षा अधिकारी उत्तर रेलवे नई दिल्ली ने बैठक ली, जिसमें समस्त जिले भर के ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर, लोको पायलट, गार्ड, गैंगमैन, स्टेशन अधीक्षक के अलावा अन्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और रेलवे में दुर्घटना कैसे रोकी जाए इस पर विचार किया। इस बैठक में मुख्य रूप से पीटीओ सीमा कुमार, सीएसओ परमिला सिंह, डीएसओ करण सिंह, एडीआरएम वीरेंद्र सिंह, सीनियर डीसीएम कपिल शर्मा, स्टेशन अधीक्षक आदि मौजूद रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने आज जैवी जैन कॉलेज रोड स्थित कार्यालय पर व्यापार मंडल का विस्तार करते हुए सीमित व्यापार संघ के संदीप सैनी, जिला मंत्री के अलावा 2 और नए पदाधिकारियों ने व्यापार मंडल में सदस्यता ली। इस मौके पर अनिल त्यागी ने बताया कि सीमित व्यापार मंडल का हमारे व्यापार मंडल में विलय होने से हमारा व्यापार मंडल मजबूत होगा और व्यापारियों की समस्या उठाने में सहयोग मिलेगा। इस बैठक में मुख्य रूप से जयवीर राणा, आदित्य राठी, कपिल मल्होत्रा, महेश गोला, अरुण गुप्ता, अमित डिंगड़ा, जोली प्रजापति, अमित पंडित, दिव्य लोक आदि मौजूद रहे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का विस्तार जिला अध्यक्ष जयवीर राणा जी के प्रयासों से होने जा रहा है, जिसमें सीमेंट एसोसिएशन के कुछ लोग जुड़ रहे हैं और आशा है कि धीरे धीरे वो सभी अपने एसोसिएशन के लोगों को इस व्यापार मंडल से संबंधित कर व्यापार मंडल को और विस्तारित करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा व्यापार मंडल वस्तुतः गैर राजनीतिक रहते हुए अब हर व्यापारी की समस्या को दूर करने में विश्वास रखता है और किसी भी प्रकार से यदि किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी अन्याय होता है तो हम हर समय उसके लिए तैयार रहते हैं। बलियाखेड़ी ब्लॉक में आज माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 7 निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया, जिसमें 5 हिंदू कन्याओं का हिंदू रीति रिवाज के साथ एवं 2 मुस्लिम लड़कियों का निकाह पढ़वाया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख इमरान मलिक ने सभी कन्याओं को योजना द्वारा दिया गया सामान भेंट किया, जिसमें कपड़े, गहने, अन्य सामान मौजूद था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से DDO मंशाराम, जिला समाज कल्याण अधिकारी शरद प्रकाश, श्रीवास्तव नाजीम खान, ओम प्रकाश, ललित कुमार, ADO योगेंद्र कुमार शर्मा, ADO यशवीर सिंह, ADO कवरपाल, ADO आदि मौजूद रहे। जेवी जैन कॉलेज में MA चित्रकला चतुर्थ सेमेस्टर के 20 विद्यार्थियों की विगत 2 वर्षों में तैयार की गई कलाकृतियां एवं चित्रकलाओं की प्रदर्शनी का उद्घाटन विभागाध्यक्ष डॉ. महेश कुमार एवं डॉ. सर्व शब्द सिंह ने दीप प्रज्वलित किया, जिसमें छात्राओं द्वारा लोक कला, प्राकृतिक चित्रम, व्यक्ति चित्रम,
कोलाज, म्यूरल आदि कलाओं की विधा प्रदर्शित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से VIPS तोपाल, डॉक्टर बबीता, डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर विनोद अंजना, दानिश, नेहा, चिंकी आदि मौजूद रहे। ये प्रदर्शनी MA 4th सेमेस्टर ड्राइंग पेंटिंग के बच्चों की है। ये इनके 4 सेमेस्टर के जो वर्क हैं, 2 साल के काम हैं, वो उसकी उसमें से जो बेस्ट हैं उनको ये डिस्प्ले किए हैं। इनके कोर्स में है ये डिस्प्ले का एक है, तो उसी के अंतर्गत ये प्रदर्शनी लगी है। ये प्रदर्शनी 2 दिन रही। इसमें 4 प्रकार के वर्क लगे हैं। इसमें थीमेटिक किसी थीम को लेकर के कुछ कंपोजिशन बनाया गया है, उससे संबंधित है। और दूसरा इसमें कोलाज है, जिसमें कि अलग अलग चीज़ों को, कागज़ को और चीज़ों को जोड़ करके वो चिपका करके उस पर बनाया है। म्यूरल है, जो दीवार पर चित्र बनते हैं उसके इफेक्ट को भी यहाँ पर चित्रों में दिखाया गया है। एक है अमूर्त चित्रण, जो कि बिल्कुल फिगर नहीं है, उस तरह से अमूर्तन के साथ इसमें चित्रकारी की गई। कमिश्नर ने आज गन्ना भुगतान को लेकर सर्किट हाउस में सुगर मिल मालिक व प्रतिनिधियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने बकाया गन्ने भुगतान को लेकर सभी मिल मालिकों को हिदायत दी और कहा कि किसानों के गन्ने मूल्य का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए और इनका एक समय निश्चित किया जाए, जिससे किसानों का भुगतान चुकाया जाए, जिससे किसान अपने पैसे प्राप्त कर उसका इस्तेमाल कर सके। इस बैठक में मुख्य रूप से सांसद हजी फजलुर रहमान, सरफराज खान, योगेश दहिया के अलावा गन्ना अधिकारी मौजूद रहे। RP मिश्रा, राकेश कुमार, लाल धर्मेंद्र, अमित पोपिन आदि मौजूद रहे। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 के अंतर्गत आज सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें स्टेडियम के बच्चे हैं, स्काउट के बच्चे हैं। अभी ADM की साहब ने जो है हरी झंडी दिखाई है और यातायात नियमों के पालन के लिए हम लोग जो है पूरे शहर में जागरूकता रैली करेंगे और बच्चों के द्वारा और ये मैसेज देंगे कि यातायात के नियम कितने जरूरी हैं। ये कब तक चलेगा? ये 22 जून तक चलेगा हमारा सप्ताह।